क्यों आप धनंजय जी कांग्रेस के महाधिवेशन को, उसको, उसके काम को पूरा क्यों भंडाफोड़ करने में लगे? क्या फायदा होना बीजेपी का? देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस पार्टी जो अभी करोड़ों खर्च करके और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हम लोगों ने इतनी सुविधा दी कि आप चलिए यहाँ वहां जहां तहां कहां कहां मत पूछो, जहां तहां आप जहां मन करे वहां घूम लीजिए। आप कांग्रेस का अधिवेशन कहीं चर्चा में भी नहीं आता है, अभी राजस्थान में हुआ, यहाँ वहां जहां तहां करते रहते हैं, जितने के तंबू उखड़ते नहीं उसके पहले कुछ नेता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आप जितने अधिवेशन उठा के देख लीजिए, एक अधिवेशन खत्म हुआ आजाद चले गए, एक अधिवेशन खत्म हुआ सचिन पायलट का प्रॉब्लम शुरू हो गया, इनके अधिवेशन कोई जानता भी नहीं तो जबरदस्ती का उसको चर्चा में ला रहे हैं। हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, और पब्लिसिटी का असर इतना खतरनाक है कि लोग नंगे हो जाते हैं सुबह के अखबार में रहने के लिए। ये किसने कहा, जिसने कहा ठीक ही कहा है, पवन खेड़ा इनके मीडिया और इसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रमुख हैं, वो कोई खेड़ा का ये बखेड़ा कोई अनजाने में किया गया नहीं है, ये जानबूझकर की गई सोची समझी राजनीति के तहत किया गया है एक कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी के सरपरस्ती में कांग्रेस जब से चल रही है तब से एक होड़ मची हुई है कांग्रेस में, कौन उनके करीब आए तो करीब आए राहुल गांधी, कौन सरपरस्ती करेगा धनंजय जी? वो तो पार्टी खुद तय करती है, उसके लिए दूसरी पार्टियां तय नहीं करती। उसमें हमने कहा कुछ दूसरी बात देखिए धनंजय जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं इसी मुद्दे से संबंधित अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने पूरी बाइट सुनी, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी, फौरन की जो जुबान लड़खड़ाई या जो मर्जी कह लीजिए, फौरन उन्होंने सॉरी कहा और वापस ट्रैक पर आ गए, उसके बावजूद भी जो है उस मामला दर्ज हो गया, असम पुलिस एक्शन में आ गई, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो रोक दी गई, तो इतना बड़ा मामला था क्या? मुझे पूरा बोल लेने दीजिएगा इसमें। हाँ धनंजय जी, पहले उन्होंने दो प्रधानमंत्रियों का नाम पहले लिया, फलाना, उन्होंने फलाना जी, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री का नाम लिया जी, और तीसरे प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने किस तरह से लिया, सॉरी बोलने के बाद फिर वो एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं कुछ सेकंड का और फिर डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं, इसकी ये पहले की घटना होती है। दूसरी इस घटना में जो आप कह रहे हैं उनको बेल मिल गई, बेल लेने कांग्रेस के ही बड़े नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और माननीय जज साहब के सामने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो डेरोगेटरी रिमार्क उन्होंने किया है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, मैं अपने मुंह से उन शब्दों का रिपीटेशन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उनका वीडियो देख लिया जाए, और उनका वीडियो देख करके जज साहब, अब ये कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी के शब्द हैं कि मैं उन शब्दों को अपनी जबान से नहीं कह पाऊंगा। आप बताइए इसके बाद भी आप कहते हैं कि डेरोगेटरी है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कांग्रेस के कल्चर में आखिरकार उसी को बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी? बिल्कुल, फिर तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वाकई जुबान फिसली थी, वो किसी मकसद के तहत नहीं कहा गया था।